नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं निकिता और साइंस चैनल में आपका फिर से एक बार मन मन से स्वागत है। आज है सैटरडे और आज हम लोग जानेंगे साइंस और चरित्र में से चैप्टर 35 में से एक स्टोरी। ये है काकाजी महाजन के मास्टर की स्टोरी। उनके मास्टर का नाम था मिस्टर ठक्कर जी, ठीक है। तो क्या हुआ ना, ये ठक्कर जी जो है, इनको पता था कि हमारा ये जो मैनेजर है काका जी, ये जो है बाबा है वहां पे शिरडी में कोई, तो उनको जो है बहुत ज्यादा मानता है और जब तक बाबा उनको परमिट ना करे ये वहां से तब तक वापस लौट के नहीं आते हैं, ठीक है। तो उस पे कभी उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं करा। बट एक बार जो क्या हुआ ना, शिमला की हॉलीडेज चल रही थी तो ठक्कर जी को लगा कि चलो हम जो है काका के साथ जो है जाके आते हैं, देखते हैं आखिर ये साई बाबा है कौन और ये बहुत मिराकल दिखाते हैं, तो चलो देखकर आते हैं करके। पर उनको पता था कि काका जो है ये पता नहीं बाबा के परमिशन के सिवा तो जल्दी ऐसे आते नहीं है, तो जब उनको परमिशन मिलेगी ये तभी आएंगे, तो उससे अच्छा है मैं और एक अपना जो एसोसिएट है और कोई आदमी है उसको भी लेके चलता हूँ। तो ऐसे जो तीनों जो है शिरडी आते हैं और मस्जिद में बैठ जाते हैं। तो आते टाइम काका जी ने क्या किया था, उन्होंने ना कुछ मनु के जो होते हैं ना, मतलब रेजिन्स जिनको बोलते हैं, मनु का बोलते हैं, तो वो खरीदे थे जिसके मतलब छोटे छोटे सीड्स भी होते हैं उसके अंदर, ओके। तो ये लेके जो है वो वहां पे चले गए। अब वहां पे ना एक तारखड़ करके भी बैठे हुए थे, तो जब काका जी जो है बाबा से मतलब उनकी प्रेयर कर रहे थे या फिर उनसे बात कर रहे थे, तो तभी मिस्टर ठक्कर जी ने क्या किया, वो तारखड़ जी को पूछा वहां पे जो मतलब डिवोटी आके बैठे थे बाबा के पास, कि मैंने सुना है यहाँ पे बहुत सारे मिरेकल्स होते हैं, तो क्या तुम भी मतलब मिरेकल देखने आए हो। तारखड़ जी हंसे और बोले कि मिरेकल तो होते ही है, वो तो अलग बात है, बट अब जो मैं यहाँ पे आया हूँ या फिर कोई भी लोग जब यहाँ पे आते हैं तो वो उस इंटेंशन से नहीं आते कि उनको मिरेकल देखना है। उनको ये पता होता है कि जब हम हमारी प्रॉब्लम यहाँ पे बाबा के पास लेके आते हैं तो बाबा जो है उनको रिजॉल्व करने में, सॉल्व करने में जो है उनकी मदद करते हैं और वो चीज हो भी जाती है करके। तो इनको ये सुन के ठक्कर जी को थोड़ा अजीब लगता है, मतलब अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं, अभी मैं तो मिरेकल देखने आया हूँ तो देखता हूँ क्या मिरेकल है। तो काका जी ने जो रेजिन्स लाए हुए तो वो धोकर जो है वो बाबा को उन्होंने दिए, तो बाबा ने बोला अच्छा है तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, तो बाबा के हाथ में भी जो है उन्होंने दिए और फिर सारे सबको डिस्ट्रीब्यूट किए। तो अभी ये जो मिस्टर ठक्कर होते हैं ये बड़े टेढ़ा मेढ़ा मुंह करके जो है वो मनु काको खाते हैं, तो एकदम उनको अच्छा नहीं लगता। सबसे पहली बात उनको वो पसंद नहीं होते हैं मनु का, दूसरी बात ये कि डॉक्टर ने उन्हें बोला होता है कि जब तक जो है ये आप अच्छे से क्लीन नहीं करोगे, वॉश नहीं करोगे, तो उसको आप खा नहीं सकते। तो शायद पता नहीं जो भी होगा, एलर्जी होगी या वॉट एवर इट इज, बट इनको जो है वो पसंद नहीं आते, तो ये कैसे तो भी मुंह में डालते हैं खाते हैं, बट किसी की नजर ना पड़े ऐसे करके जो है वैसे ही मुंह से मतलब निकाल के जो है अपने पॉकेट में डाल देते हैं। अभी उनको लगता है भाई मस्जिद है, सारे सभी खा रहे हैं, अभी इसी बीच अगर मैं सारे सब और बाबा के सामने भी मतलब ऐसे मस्जिद के फ्लोर पे भी वो डाल दूं या थूक दूं तो अच्छा नहीं लगेगा करके, तो वो कैसे तो भी मुंह में से रखते हैं और अपने पॉकेट में डाल देते हैं, ठीक है। बट फिर ऐसे करते करते एकदम अचानक से उनके माइंड में ख्याल आता है, अरे मैं तो यहाँ पे मिरेकल देखने आया हूँ और काका जी से जो है मैंने बाबा के बारे में बहुत कुछ सुन के रखा है, तो अगर बाबा इतने ही रियल सेंट है, इतने ही अगर महापुरुष है, तो फिर उनको ये पता नहीं चला कि मुझे रेजिन्स बिल्कुल नहीं पसंद है, तो उन्होंने मुझे क्यों दिलवाया रेजिन्स, और मतलब ऑब्वियसली उसमें सीड्स भी है वगैरह, तो मैं कैसे खाऊं, तो ये तो मुझसे नहीं होगा, तो ये बाबा को पता होना चाहिए था। तो फिर बाबा ने जो है उनका थॉट पढ़ लिया, तो बाबा ने जो है और जानबूझ के उनके हाथ में और थोड़े रेजिन्स रखे और बोले कि खाओ। तो अभी इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अरे यार यहाँ पे मैं तो टेस्ट लेने आया हूँ, मैं कुछ बोल रहा हूँ और ये तो मुझे और दिए जा रहे हैं, तो अभी करे तो क्या करे। बट क्या होता है, इस बार जब वो ना वो रेजिन्स खाते हैं तो थोड़ा खाते खाते उनको पता चलता है कि अरे इसमें जो है वो तो सीड ही नहीं है मतलब, तो फिर ये बोलते हैं कि अरे ये ऐसे कैसे हो गया। तो फिर उनको लगता है कि सच में क्या बाबा ने इनका थॉट पढ़ लिया, मतलब क्या हो गया ये। तो और थोड़ा कंफर्मेशन करने के लिए जो है उनके बाजू में वो जो मिस्टर तारखड़ होते हैं तो उनको पूछते हैं कि अरे भाई तुमको जो रेजिन्स मिले वो कौन से मिले, मतलब कौन से टाइप के मिले। तो तारखड़ जी बोलते हैं मुझे तो मतलब पता नहीं सीड वाले हैं, मतलब वही वाले हैं, वही मैं खा रहा हूँ तब से। तो एकदम ये जो है सरप्राइज हो जाती है, बोलते हैं अरे ये कैसे पॉसिबल हो गया, बाबा को कैसे पता चला कि मुझे जो है रेजिन्स विदाउट सीड पसंद आते हैं। तो
ये एकदम खुश हो गए, तो दो बार अभी उन्होंने टेस्ट ले लिया, बट फिर और कंफर्मेशन के लिए इनको फील हुआ और इनको लगा कि नहीं यार फिर से हमें देखना चाहिए, तो वो और मतलब जो है मन में बोलते हैं कि अब जो है बाबा ने काका को सबसे पहले जो है रेजेंस देने चाहिए और उसके बाद जो है हमें बांटनी चाहिए। तो सच में तुरंत बाबा वो भी कर लेते हैं, बाबा काका जी को बोलते हैं ये लो और रेजेंस, और फिर दूसरों को भी देने लगते हैं, तो फिर से ये सरप्राइज हो जाते हैं। तो इनको लगता है कि नहीं अब तो मतलब इनको विश्वास ही हो जाता है कि इनका जो है ये ट्रिप वेस्ट नहीं गया, और सच में जो है इनको एक मिरेकल देखना था, तो बाबा ने जो है दो दो तीन तीन बार इनको उनका माइंड पढ़ के बता दिया कि बाबा जो है सच में महान सत्पुरुष है और वो सबके माइंड पढ़ सकते हैं और उनके विशेष भी जो है वो फुलफिल करते हैं। थोड़ी देर के बाद सारा सब कुछ हो जाता है और फिर ये लोग जो है बाबा के दर्शन वगैरह ले लेते हैं और फिर जो है वो चले जाते हैं। इतने प्रूफ्स जो है उनको मिलने के बाद फिर बाद में जो है ये सारे सब कुछ जो इनको लगता है चलो अभी दर्शन लेते हैं और निकलते हैं, उसके पहले जो है शमा आके वहाँ पे बैठते हैं और शमा जो है वो काका और उनके मास्टर के बारे में बताते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं कि ये देखो ये जो बैठे हुए हैं ये काका जी के मास्टर हैं मिस्टर ठक्कर जी। तो फिर बाबा बोलते हैं कि ये क्या मास्टर है, ये तो मतलब इससे ज़्यादा तो मतलब खुद ही इसका कोई और ही मास्टर है करके, तो ये क्या मास्टर हो सकता है, इनको कुछ समझ में नहीं आया, बट हाँ इनको अच्छा लगा जो भी इनको प्रूफ मिले थे मिस्टर ठक्कर जी को, तो उन्होंने बस बाबा को सल्यूट किया प्रणाम किया और फिर वो लोग जो है वाड़ा की तरफ चले गए। उसके बाद जो है दूसरे दिन जब आए तो अभी वो लोग लीव लेने के लिए आए थे, मतलब बाबा की परमिशन लेने के लिए आए थे, तो अभी जो है मिस्टर ठक्कर को ये बहुत अच्छे से पता था कि अरे चाहे अभी तो कुछ भी हो जाए हम लोग को, मतलब काका को तो है बाबा वो छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि हमेशा ये जब भी लौटते थे वहां पे वापस से घर पे तो ये हमेशा लेट ही आते थे, तो बाबा इतनी जल्दी तो परमिशन देते नहीं है, बट फिर भी इनको लगा कि चलो ठीक है जाके बैठते हैं लीव ले लेंगे। जब ये बैठे हुए होते तो बाबा अचानक से एकदम अपना वो बोलने लगते हैं, बाबा बोलते हैं कि एक आदमी था कि जो पता नहीं बिन फालतू उसके मतलब दिमाग में इतनी सारी एंजाइटी इतना डर इतना फियर और इतने अजीब तरीके से पता नहीं क्या क्या किन लोगों का बोलना या फिर कितने सारे बर्डन्स जो भी था वो अपने दिमाग में लिए बैठता था, उसके बाद सारा सब कुछ होके भी जो है वो सुखी नहीं था, मतलब ऑब्वियसली उसका अगर वो ऐसे कुछ भी बर्डन अपने दिमाग में लेके बैठ रहा है तो उसको मतलब पीस ऑफ माइंड कैसे मिल सकता है, तो ऐसे इंसान का मतलब कुछ ये नहीं होता है या फिर क्या बोल सकते हैं आप कि कुछ सही नहीं होता है, मतलब आपके माइंड में अगर इतनी सारी सभी चीजें चल रही हो या फिर आपके माइंड में या हार्ट में कोई डर हो तो कैसे आप आगे जा सकते हो, तो इससे तो मतलब आपको सारा सब कुछ नेगेटिव ही दिखेगा, आप नेगेटिव ही सोचोगे और आपको चाहे किसी ने कितना भी बताया है विश्वास दिलाया आपको विश्वास ही नहीं होगा और ना ही आप आगे बढ़ पाओगे करके। तो ये सारा सब कुछ जब जैसे उन्होंने बोला तो एकदम जो है मिस्टर ठक्कर को लगा कि अरे ये बाबा ने क्या बोल दिया, ये तो पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन ये तो बाबा ने मेरे बारे में बता दिया, तो फिर से जो है बाबा ने एक बार फिर से उनको प्रूफ बता दिया कि कैसे जो है बाबा कोई इंसान को भी कितने अच्छे से पहचान सकते हैं और उसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। अभी इनके मन में चल रहा था कि ये तो सारा सब कुछ सही है, अभी तो सारा सब उनको जैसा चाहिए था वो सब प्रूफ मिल गया था, अब वो सोच रहे थे कि अरे अच्छा हो जाता कि अभी हम लोग लीव ले रहे हैं तो बाबा जो है काका को भी मतलब हम लोग के साथ ही भेजे, और उतने में बाबा जो है बोलते हैं कि अच्छा ठीक है अब सब हो गया, अब आप लोग जो है सेफली अपने घर जा सकते हो, आप जाओ करके। तो ये सुन के तो और ही मतलब इनको फील हुआ कि अरे ये कैसे पॉसिबल हो गया, क्योंकि बाबा जहाँ पे काका जी को जो है जल्दी छोड़ते नहीं थे इतने परमिशन देते नहीं थे, आज जो है इतने जल्दी उन्होंने परमिशन दे कैसे दिया, तभी उनको याद आया कि अरे हाँ मेरे तो खुद के मतलब मन में और माइंड में चल रहा था कि बाबा जो है जल्दी से अभी काका जी को हमारे साथ जो है वो भेज दे करके, जो कि बाबा ने खुद ही काका जी को परमिशन देके कि अच्छा अभी जो है तुम लोग साल से भी जा सकते हो ये बोल के जो है फिर से जो है मिस्टर ठक्कर जी का दिल जीत लिया। तो इस तरह से जो है फाइनली ठक्कर जी को पता चल गया कि सच में बाबा है सबके माइंड पढ़ सकते हैं, कौन कैसे नेचर का है वो क्या है क्या है क्या नहीं है सारा सब कुछ बता सकते हैं, और जो है डेफिनेटली मिराकल करते ही है और यू नो सारे सबके विशेष भी पूरे करते हैं। तो इसलिए भले बाबा आपकी टेस्ट ले तो अच्छी बात है, लेकिन आप जो है कभी बाबा की टेस्ट लेने की कोशिश मत करना। हाँ वो अपना नेचुरल माइंड होता ही है, हम इंसानों को लगता ही है कि नहीं नहीं ऐसा तो
होना नहीं चाहिए, बस हमें कोई इंडिकेशन चाहिए, हमें कोई प्रूफ चाहिए। प्रूफ पे हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं ना, तो हमें वैसा वो लगता रहता है, तो कभी कभार वो ठीक होता है, बट हर बार अगर आप वो करोगे तो फिर वो सही नहीं होगा। तो इसलिए बाबा को ज्यादा टेस्ट ना करें, उनको कुछ प्रोमिसेस ना करें कि आप पहले ऐसे कर दो फिर हम ऐसे करेंगे, आप हमारी ये विश पूरी कर दो तो फिर बाद में हम वो करेंगे, तो ऐसा कभी मत करना। जो है जैसे है, व्रत करना चाहो, साई सच्चरित्र पढ़ना चाहो, सारा सब कुछ करो, कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो, और सारी सभी चीजें जो है बाबा बाद में टेक केयर कर ही लेते हैं। ठीक है, तो आई होप आज की स्टोरी आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, ओम साई राम। मिलते हैं नेक्स्ट।